लखनऊ आंखों में धोल झोंक, दबंग बिल्डर ने विकलांग महिला की प्रॉपर्टी कराई अपने नाम। बिल्डर ने विकलांग महिला के साथ की धोखाधड़ी। महिला का अनपढ़ होने का बिल्डर ने उठाया फायदा। बिल्डर ने मकान बनाने का एग्रीमेंट कराने के नाम पर विकलांग महिला के साथ की धोखाधड़ी। एग्रीमेंट कराने के नाम पर बिल्डर ने करा ली रजिस्ट्री। जी हाँ, यह पूरा मामला बांग्ला बाजार थाना आशियाना का है। आपको बताते चले, पीड़ित विकलांग महिला ने शासन और प्रशासन से मदद की लगाई है गुहार। वकार हुसैन की रिपोर्ट। पैतृक संपत्ति में हमारा लोगों का, हमारी माँ उसी में गुजारा भत्ता कर रहे थे। अचानक बिल्डर भू माफिया पंकज सिंह। कहाँ पे है आपकी पैतृक? बंगला बाजार में। भू माफिया बिल्डर पंकज सिंह से हमारी मुलाकात उनसे हो गई अनजान से, और उन्होंने बहला के फुसला के उनके दोनों भाई खुद से गवाह बने हुए, दोनों भाई खुद गवाह बने हुए हैं, और जो कि जबरन इन्होंने दस्तखत करवाए हैं, जो कि गलत है। जो नाटी हम लोगों को कागज इन्होंने 6 महीने दिए, बरगराज में सारे कागज कोई न दिए गए हैं, ना इन्होंने साबित किए, जो कि तहसीलदार में इन्होंने बयान अपने दिए हैं कि हमने इनको कागज दिए हैं, जो कि हमारी माँ अपन बिल्कुल चल भी नहीं पाती है। उनको समझा के बिझा के माता जी कह के बिल्कुल पूरी तरीके से इन्होंने अपने मतलब शरण में अपना पूरा काम कर लिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं पूरी बिल्डिंग पूरी मानचित्र से पूरा पास करवा कर तभी बनवाऊंगा, आपको माता जी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा इन्होंने बिना मानचित्र पास कराए हुए इन्होंने जो भी कुछ किया, गैर तरीके से सारे काम किए बिना बताए हुए, शासन प्रशासन को भी इन्होंने दबा के रखा, जो कि वो पूरी तरीके से गलत है। निर्भुर यहाँ पे क्या आश्वासन? मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, मुझे मेरी माँ विकलांग है, जो कि मेरी बहन भी आई हुई है, जो उसके दस्तखत नहीं है। उस बिल्डर पंकज सिंह यहाँ मौजूद नहीं था, जो कि उसको ये हमारे बयान वो सुन सके, जो कि वो गलत है। और सरासर उसने पूरी बिल्डिंग शासन प्रशासन को दबा के उसने पूरी तरीके से। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरीके से मेरी बिल्डिंग को, अगर वो गलत तरीके से बनाई गई है, तो उसको तोड़ दिया जाए। पंकज सिंह बिल्डर भू माफिया पर पूरी तरीके से विरुद्ध कार्रवाई कराई जाए, और उनके भाइयों के ऊपर भी कार्रवाई कराई जाए। भाइयों को लगा रहे।